नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड, आज के इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन आंध्र प्रदेश भर्ती 2019 के बारे में। फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ मिशन आंध्र प्रदेश ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के पदों पर भर्ती का। तो इसी के बारे में आज दूंगा आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, साथ ही आपको दिखाऊंगा नेशनल हेल्थ मिशन आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ताकि आप समझ सकें इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं NHM आंध्र प्रदेश भर्ती 2019 और पोस्ट है आपकी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के पदों पर भर्ती का। सैलरी होगी आपकी 25,000 रुपये पर मंथ एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन है सिर्फ बेसिक नर्सिंग, यानी कि जो कैंडिडेट्स BSc नर्सिंग पास आउट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म के भरने की आखिरी तिथि 29 नवंबर 2019 होगी और यहाँ पर पोस्ट की संख्या 1113 है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज आपको सारी जानकारी दूंगा एकदम डिटेल में, ताकि आप समझ सकें इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम है आपका नेशनल हेल्थ मिशन आंध्र प्रदेश। पोजीशन की जो है पोस्ट होगी आपकी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका पोस्ट होगा। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 1113 वैकेंसी है आपकी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की। स्टार्टिंग डेट इसका शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर 2019 है। 29 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं फॉर्म को भरने के लिए जो मोड होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 29 नवंबर से पहले पहले। 29 नवंबर के बाद डेट क्लोज हो जाएगी तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ें और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर सिलेक्शन होगा और जॉब लोकेशन आपका आंध्र प्रदेश के अंदर होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपका cfw.ap.nic.in होगा। आगे बढ़ें और जाने अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो आपकी BSc नर्सिंग मांगी हुई है और ये आपका पास आउट होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक है। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलेक्शन दिया हुआ है, वो आपको ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो एज लिमिट में कितना रिलेक्सेशन है PWD के लिए और SC ST के लिए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ें और बात करें अगर NHM AP के अगर मिड लेवल जो हेल्थ प्रोवाइडर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा, उसका सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं आपको इसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे पता लगे ना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो मैं आपको इसका सिलेबस भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दे दूंगा आपको और इसके लास्ट ईयर के पेपर्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ें और बात करें अगर सैलरी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको 25,000 पर मंथ लिखा हुआ है, यानी कि 25,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर, ताकि आपको इस पर पूरी तरीके से आप इस पर बिलीव कर सकें। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद आपकी इंक्रीज़ भी हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेट 300 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। वहीं पर SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। जो हमारे जर्नल और OBC के हैं उनको सिर्फ 300 देना है, ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे SC और ST को कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं देना है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे दिया है जो कि इस तरह का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को भरेंगे। बट फॉर्म को भरने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह जान लीजिएगा, जो भी आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो सारे वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एप्लीकेशन फ़ी को फिल करना होगा। ठीक है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, और एक बार मैं आपको फॉर्म जब हम भरेंगे तो सारा काम आप कर लीजिएगा क्लोजिंग डेट से पहले पहले, क्योंकि क्लोजिंग डेट के बाद कुछ नहीं होगा, वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या क्या जानकारी इसके अंदर दी हुई है। तो अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि मिड लेवल पोस्ट के लिए है, ठीक है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का आपका पोस्ट है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश NHM हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की पोस्ट के लिए है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टोटल सीट इसके अंदर 1113 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे बढ़े और यहाँ पर देखिए, साफ सीधे लिखा हुआ है कि इसके जो क्वालिफिकेशन है वो इसका BSc नर्सिंग पास कैंडिडेट्स को चाहिए, जो पास आउट है वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका BSc से कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें आपको कोई भी ऐसा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि अगर मेरा हायर क्वालिफिकेशन है तो मेरे सिलेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। BSc के बेस पर ही आपका इस पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आगे बढ़िए, तो एज लिमिट इसके अंदर 35 साल के कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST के लिए 40 साल वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये होगा, और SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। SC ST एंड BC कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं करना है। वहीं आगे बढ़ें और इसी वजह रिमुनेशन की बात, जैसे मैंने आपको बताया था, 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है, और ये आपको ट्रेनिंग पीरियड तक आपको कोई भी स्टिपेंड नहीं मिलेगा, ये आपकी सैलरी होगी, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड तक कितना मिलेगा आपको, उसके बाद हो सके तो इंक्रीमेंट हो, ऐसा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ें और सिलेक्शन क्रिटेरिया की बात करें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसे हम ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। इस तरीके का आपका एग्ज़ाम को इसमें किया जाएगा, ठीक है, उसमें आपका जो आप जितने भी पास आउट कैंडिडेट्स होंगे वही आगे क्वालिफाई करेंगे और आगे के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। आगे बढ़े और बात करें जॉब लोग जोन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसको 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 में, ठीक है। ये आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चेक कर लीजिएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सेंटर देखिए यहाँ पे कैसे। जो भी कैंडिडेट श्री कालुकम, विजिनीजनम एंड विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हैं, वो अपना विशाखापट्टनम का एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करेंगे। ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा वाले कैंडिडेट्स होंगे, वो राजमंद्रम एंड विजयवाड़ा में अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। तो अपना देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, ये आपका डेट होगा वो आपका 10 दिसंबर 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर पोस्ट के लिए 10 दिसंबर 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका होगा, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑन द सिलेबस ऑफ BSc नर्सिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम्स आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे और 180 मिनट्स का आपका 3 आवर का आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा, ठीक है। और इससे पहले आपको इसका हॉल टिकट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो हॉल टिकट जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके। साथ ही यहाँ पे देखिए कि कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। जो हमारे OC कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 50% मार्क्स है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45% और SC ST के लिए 40% है, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट ऑफ ब्रिज कोर्स, ये आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 1/1/2020 से, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ एमएससी, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो इग्नू से पास आउट होंगे वही आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29/12 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें इग्नू की जो बात की हुई है ना, ये आपका इग्नू की तरफ से आपको कोर्स करवाया जाएगा, उसके में जब आप सिलेक्शन होंगे ना तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, या पूरा जब पढ़ेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई करने के लिए MLHP.EPTOonline.in पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। आपका जो भी पार्टिकुलर सर्टिफिकेट्स लगेंगे, SSC लगेगा आपका, ठीक है, 10th का एग्जामिनेशन, 10+2 अगर आप देना चाहे दे सकते हैं, BSc नर्सिंग की जो भी आपकी प्रोविजनल है या फिर डिग्री है वो लगा सकते हैं। मार्क्स ऑफ BSc ऑल ईयर्स के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पूरी जानकारी आपकी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के वैकेंसी की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या लीगल मैटर्स वगैरह हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्थ मिशन के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको और भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपको नीचे में मिल जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिंक्स अभी करंट में चल रहे हैं उनके भी लिंक्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय।